नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई.com में। अभी तक हमने बात किया कि कॉमर्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। और आज हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसे जो है डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं। पुस्तपालन की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों को लिखा जाता है, उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दो रूप यानी कि हमने आपको पहले भी बताया कि किसी भी प्रकार के लेन देन में कम से कम दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, एक पक्ष होता है लेने वाला और एक पक्ष देने वाला, तब जाके दोहरा लेखा प्रणाली का काम होता है। इसका आशय कदापि यह नहीं लगाना चाहिए कि प्रत्येक लेन देन में दो बार लिखा जाता है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हर लेन देन को दो बार लिखा जाएगा, बल्कि कम से कम दो लोगों की होने की आवश्यकता होती है इसमें। उदाहरण के लिए देखिए, हम बता रहे हैं 500 रुपये का माल नगद बेचा। इस लेन देन में दो खाते प्रभावित होते हैं, पहला रोकड़ खाता, दूसरा माल खाता यानी कि कैश अकाउंट और दूसरा गुड्स अकाउंट। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, किसे कहते हैं और कौन कौन से अकाउंट किस में आते हैं। व्यापार में रोकड़ आती है अर्थात रोकड़ बढ़ता है, अतः रोकड़ खाता पाने वाला हुआ यानी कि कैश अकाउंट जो है रिसीव करने वाला हुआ, और माल व्यापार में से जाता है यानी कि माल बेचा जा रहा है, अतः माल खाता देने वाला हुआ। तो कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है दोहरा लेखा प्रणाली में, दो लोगों की कम से कम आवश्यकता होती है लेन देन करने के लिए। इसका कदापि ये मत सोचिएगा कि इसमें दो बार एंट्री की जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करेंगे इसका विकास कैसे हुआ, प्रादुर्भाव और विकास। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का प्रादुर्भाव इटली में 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? पुस्तपालन की जो दोहरा लेखा प्रणाली, बुक कीपिंग की जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसका विकास 15वीं शताब्दी में हुआ था इटली में। और इटली के एक विद्वान है लुकास पेसियोली की गणित की पुस्तक डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्टिस से प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एच ओल्ड कैस्टिल ने किया था। इसके पश्चात अंग्रेज लेखक एडवर्ड जॉन्स ने पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग की इस प्रणाली का विकास किया। इसके पश्चात पुस्तपालन की प्रणाली में अनेक सहायक पुस्तकों को सम्मिलित किया गया। आज हम दोहरा लेखा प्रणाली की इसी विकसित प्रणाली को अपनाए हुए हैं। बहुत सारी पुस्तकों को बहुत सारी प्रणालियाँ आई, जिसमें से ये दोहरा लेखा प्रणाली हुई। इसका विकास कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ था। और आगे हम जानते हैं इसके बारे में, इसकी परिभाषाएँ क्या क्या होती हैं। परिभाषाएँ दो लोग हैं जिन्होंने दिया। बीजी बिक्री के अनुसार पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली यानी बुक कीपिंग के जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन में पाने वाले को मिलने वाले मूल्य से ऋणी किया जाता है और देने वाले को उसी मूल्य से धनी किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक ऋणी के लिए धनी होता है और प्रत्येक धनी के लिए ऋणी होता है। हमें डबल एंट्री सिस्टम में दो लोग होते हैं कम से कम, एक पक्ष होता है जो लेने वाला होता है और एक पक्ष देने वाला। तो जो लेगा उसको जो है डेबिट किया जाएगा यानी कि जो रिसीव करेगा, और जो देगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। और इसी चीज़ में दोनों जगह सेम अमाउंट होंगे तभी ये दोहरा लेखा प्रणाली होती है। डॉक्टर के एल गर्ग के अनुसार व्यापारिक लेन देन यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखने का यह वैज्ञानिक ढंग, जिसके द्वारा प्रत्येक लेन देन को दो खातों में लिखा किया जाता है, दो खातों में यानी कि दो जगह नहीं बल्कि दो अकाउंट का एंट्री होता है, एक उस खाते में जो उस वस्तु धन अथवा सेवाएँ प्राप्त करता है तथा दूसरा उस खाते में जो वस्तु धन अथवा सेवाएं प्रदान करता है। एक जो प्राप्त करता है, दूसरा जो देता है यानी कि प्रदान करता है, उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। इसकी एक आदर्श परिभाषाएं हैं जो सब परिभाषाओं को मिला के बनती है। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों का लेखा निश्चित नियमों के अनुसार एक खाते के ऋणी पक्ष में तथा दूसरे खाते के धनी पक्ष में किया जाता है। हमने बताया ना कि दो जगह नहीं बल्कि एक ही जगह एंट्री दो अकाउंट में होती है। किस तरीके से? कि दोनों रूपों का लेखा किया जाए, एक डेबिट में और एक दूसरा क्रेडिट में।
यही कहलाता है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएँ रहेगी, गुण दोष लाभ रहेंगे, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।